हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमूल चीज़ की। तो आज हम कवर करेंगे अमूल चीज़ की स्लाइसेस। अमूल चीज़ क्यूब्स जो थी वो हमने अपनी पहले किसी वीडियो में कवर करी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिसको भी अमूल चीज़ क्यूब्स के बारे में डिटेल लेनी है पूरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, उधर लिंक मिल जाएगा। तो ये है अमूल चीज़ स्लाइस का पैकेट। ऐसे बहुत सारे पैकेट आते हैं, छोटे बड़े, तो जिसके अंदर 10 स्लाइसेस होती है, 20 स्लाइसेस, 25 स्लाइसेस, 100 स्लाइसेस, 50 स्लाइसेस। तो ये सबसे छोटा पैक है जिसके अंदर आपको 10 स्लाइसेस मिल रहे हैं। अमूल चीज़ बहुत सारे तरीक़ों की भी आती है, जैसे कि एक तो ये हो गई अमूल स्लाइस, अमूल क्यूब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चिपलेट्स होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, टेंस होते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। इस तरह का ये पैक है। और यहाँ पर आपको ये देखो, ये जो मैं आपको बता रही थी टाइप्स ऑफ चीज़ क्यूब्स होती है जो अमूल की, 4 चिपलेट्स, 8 चिपलेट्स, ये जो चिपलेट्स वाला है इसी का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने यही कवर करी थी, 8 चिपलेट्स वाली या फिर 10 चिपलेट्स वाली थी। तो सारी सेम होती है, बस छोटे बड़े साइज़, छोटे बड़े पैकेट्स का फ़र्क होता है। ये 400 ग्राम का 10 है, फिर 200, 500 और 1 किलो की ब्लॉक भी आती है। ये मोज़रेला चीज़ टाइप होती है जिसमें आप पिज़्ज़ा में वगैरह में डालते हैं। फिर ये स्लाइसेस है 5 का, 20 का, 50 का, और जो हमारे पास है ये 10 स्लाइसेस का पैक है। ये रहा, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस चीज़ स्प्रेड। चीज़ स्प्रेड कहा भी जाता है इसको, स्लाइस भी कहते हैं, चीज़ स्प्रेड भी कहते हैं। 100% वेजिटेरियन, इसको फ्रिज में रखा जाता है, बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगी। और फ्रीज़र में रखने में इसका टेम्परेचर जो होता है वो सही रहता है। बाकी आपको जब खाने लगो तो आप माइक्रोवेव में थोड़ा मेल्ट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, कस्टमर केयर नंबर, अमूल की आईडी, सब कुछ मेंशन है, फिजाई का मार्क भी है। और अब एमआरपी देखते हैं हम इसकी। ये देखो, ये है एमआरपी इसकी, 126। तो 10 स्लाइसेस आपको 126 में मिल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह सब कुछ है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड हुआ है सब कुछ मेंशन है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसकी एनर्जी, टोटल फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सब कुछ इसमें मेंशन है। और ये सारी अप्रॉक्स की वैल्यू है जिसमें भी ऐसा स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट, इसका नेट वेट है 200 ग्राम। तो यानी कि पूरा पैकेट 200 ग्राम का है जिसमें 10 यूनिट इंटू 20 ग्राम है, यानी कि 10 स्लाइसेस है और एक स्लाइस 20 ग्राम की है। तो ऐसे टोटल हो गया 200 ग्राम। तो अब अंदर से देखते हैं इसकी चीज़ स्लाइस किस तरह की है। ये रहा पैकेट, तो ये कुछ इस तरह की स्लाइसेस है इस पे। तो ये खुली हुई है, थोड़ी सी मैंने खुल के रखी थी। इसको टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट, अगर आपको नॉर्मली इसमें खाना है तो। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हमें इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, स्पेशली जब बर्गर वगैरह वगैरह में आप डाल रहे हो तो। टेस्ट करते हैं, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। बाकी ब्रांड्स के भी ठीक लगते हैं, बट जो मुझे बेस्ट लगता है वो अमूल का ब्रांड लगता है खाने में, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम सॉफ्ट होती है, मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाती है, थोड़ा सा सॉल्टी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। कलर जो होता है इसका वाइट में आता है, कई स्लाइसेस का येलो कलर भी होता है। तो आप इसको बहुत सारे तरीक़ों में खा सकते हो। कैसे खा सकते हैं हम,
मैगी में डाल के, मैगी जब आपकी रेडी हो जाए तो उसमें एक चीज़ स्लाइस ऐसे रैपर से निकाल के आप डाल सकते हो, वो मेल्ट हो जाएगी तो खा के देखना बहुत अच्छा लगता है। लोग पास्ता वगैरह के ऊपर भी चीज़ स्लाइसेस डाल के खा सकते हैं। पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे हो या ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हो, सैंडविच बना रहे हो, बर्गर, सब में आप ये चीज़ स्लाइस जो है वो डाल सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, साथ में इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और जब आप इसको खाते हो बर्गर वगैरह में डाल के, तो वो बर्गर का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई होप आपको सारी इंक्वायरीज जो है वो इसमें क्लियर हो गई हो। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया कि कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। हम इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, डायरी शॉप से, राशन की शॉप से, या फिर ऑनलाइन भी ये अवेलेबल रहता है, तो ईज़िली आपको ये मिल जाएगी। अमूल ब्रांड वैसे ही बहुत फेमस रहता है। तो नाउ आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमूल चीज़ क्यूब्स, चीज़ चिपलेट्स जो हैं वो भी हमने कवर करी है, वो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।